बारिश हो रही है हमारे लिए। बारिश भैया बारिश हो जा आज बारिश। गाइज अब हम लोग ये ओल्ड जयपुर है, ये मार्केट मेन मार्केट भी हमने एक्सप्लोर करी थी और यहाँ पे हमने अच्छे अच्छे स्टोन वर्क देखा, गोल्ड का देखा, गोल्ड यहाँ पे पत्थर में मिलता है बाप रे। और ये इतनी सुंदर सुंदर पगड़ियाँ थी यहाँ पे जो राजस्थान के स्पेशल। और जैसे आप ये देख सकते हो ना, ये हवा महल की बैक साइड है, मतलब बहुत ही सुंदर। हमने सामने से भी देखा बट मैं उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई रिकॉर्ड करने की, बट ये बहुत सुंदर है। और फिर ये जो एंट्रेंस है ये नाहरगढ़ की तरफ जा रहे हैं, जल महल की साइड। अब आप आगे देखोगे कि जल महल के लिए बहुत सुंदर है जल महल। और ये गेट्स ना मतलब बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत सुंदर है। जब आप सामने वहाँ देखोगे बहुत सुंदर जगह है। सो गाइस अब हम लोग जल महल पहुँचे। ये हमने जल महल देखा और इतने में ही हिमांशु और शैरल ने जो है ना को रेडी करवाया। छोटी सी कितनी प्यारी लग रही है। फोटो सेशंस हुए। और इस झील में ये फिशेस देखिए, लोग इनको फीड करा रहे थे, हमने भी फीड करवाया। और ये देखो इतना अच्छा लग रहा था। और बट यार ये सीन, ओफो, अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट। मतलब मैं सोच रहा था अगर ना हमें एक नाइट स्टे मिल जाए आप फैमिली के साथ, ओहो सुबह उठो पानी पानी चारों तरफ, वाह ज़बरदस्त, क्या ऑसम चीज़ है, वाह। और ये अब दोस्तों नाहरगढ़ के टॉप पे हम लोग थे, मतलब बीच रास्ते में, बट जल महल से ऊपर थे और जल महल इतना सुंदर लग रहा था ऊपर से। हिमांशु शैरल को थोड़ा सा पता है। और ये देखिए अब हम कितनी फास्ट जाएंगे, बहुत स्पीड में चल रहे हैं हम इस टाइम, इसलिए तब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये अब हम लोग नाहरगढ़ में आ गए प्रॉपर। फिर यहाँ पर हम लोगों को रिसिप्ट दिया अंकल ने बड़ी इज्जत के साथ पैसे लेकर, ये देखिए। और उसके बाद और इसके बाद हम ये आए यहाँ पे पार्किंग में, ये पार्किंग है यहाँ पे। और उसके बाद हमने अंदर थोड़ा जाके एक्सप्लोर किया इसको प्रॉपर। आगे आप देखिए। अच्छा दीपिका ने एक क्वेश्चन करा, पता नहीं राजा लोग इतनी गर्मी में क्यों रहते थे यहाँ राजस्थान में, अगर किसी को पता हो प्लीज़ कमेंट्स में अपडेट करना कि राजा लोग ठंडे में इलाके में रह सकते थे यहाँ, गर्म में क्यों रहते थे। इफ एनीवन नो दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज़ अपडेट मी। And
Now I know why everybody wants to visit in Rajasthan. It's so beautiful, this fort. Me and Deepika explore every place of this fort now. और गाइस अब आप देखोगे ये है बावरी. यहाँ रानी नाना नाने आया करती थी. ठीक है. और हेलो गाइस, और आज हम लोग जयपुर आए हुए हैं हिमांशु शरल के यहाँ पे. और मतलब यहाँ की ना हमने जगहें घूमी, मतलब बहुत सुंदर सुंदर जगहें यार वाकई में. ये नाहरगढ़ है, और ये नाहरगढ़ या नाहरगढ़ है ठीक है, बट स्टिल बहुत सुंदर जगह है. आप बैक साइड में देख सकते हो ये सब, यहाँ रानियाँ नहाने का स्थान था ये सब. और मैं अभी इससे पहले शॉर्ट्स डाले हैं उसमें, आप देखना ठीक है. बावरी है, बावरी उसमें और इसमें बावड़ी है. बस अभी ये चीज़ें आगे देखेंगे ठीक है. दीपिका को आपको पता ही है, बोलने में थोड़ा सा अंदर है तो कोई बात नहीं. और गाइज ये है वो जगह जहाँ पे रंग दे बसंती मूवी का शूट लिया गया था, जो जिसमें ये सब हीरो और ये सब जंप करते हैं, ये वो जगह है. मेरे को बाद में शैरल ने बताया कि जीजू यहाँ पे रंग दे बसंती के. और अब हम चले राजा जी के घर महल. ये राजा जी का महल है जहाँ पे राजा जी और उनके 9 वाइफ भी थी साथ में. ये तोप रखी हुई है, आगे आपको दिखाते हैं, चलिए देखते हैं. महाराजा माधव सिंह सेकंड के नौ राने के लिए 18 अपार्टमेंट बनाए थे. 9 बिल्डर 9 समर पैलेस. सर्दियों में राना बिल्डर में रहती थी, गर्मी में समर पैलेस में रहती थी. राजा का रेस्टोरेंट सिटी पैलेस में. मैन पटाना तो थी राजा के साथ की सिटी पैलेस रहती थी. 7 रानी 24 घंटे हैं. महाराजा आता था दोनों राने के साथ साथ आके अपने अपने अपार्टमेंट चले जाते. आप अपार्टमेंट देख रहे हो, 1, 2, 3 इधर और 3 इधर, एक सामने, ऐसे 7 अपार्टमेंट हैं. सामने वाले गेट से 3 गेट हैं, फ्रूट कलर्स. और ये रानी का घर था महल, यहाँ पे रानी रहती थी. और ये दासियों के रूम थे उनकी दोनों तरफ. वो इधर ये हमारे गाइड अंकल और हम सब लोग इनकी सुन रहे हैं कहानी, ये जो इस जगह की बता रहे हैं हमें. ये देखिए कितना सुंदर था ना, ये फायर प्लेस है, यहाँ पे विंटर्स में रहते थे रानी नीचे. ये उनके दासियों के रूम थे सब. अब हम चले एक्सप्लोर करने ऊपर. और ये है समर पैलेस जिसमें रानी ऊपर यहाँ पे आ जाती थी. और सभी रानियों के सेम, बिल्कुल सेम अपार्टमेंट, मतलब महल थे. और ये सारी रानियों को देखी हुई, ये सब जॉइंट था, बट ये राजा ही खोल सकता था गेट बाहर से, बंद रहते थे सब ये. बट जितने भी राजा ने पैलेस बनाए थे रानियों के लिए, सब सेम थे. और ये चोर रास्ता था राजा का, यहाँ से राजा निकलता था, क्योंकि किसी भी रानी को ये ना पता चले कि राजा आज कहाँ है, किसके पास है, किस रानी के पास है. तो यहाँ से राजा जाया करता था. ये देखिए सबसे कमाल की बात, ये वाली कुंडी, ये कुंडी सबसे बढ़िया लगी मुझे तो. ये बाहर से लॉक, अंदर से कोई खोल ही नहीं सकता, राजा बाहर से लॉक लगा के चले जाते थे. वाह, वेरी गुड, समझदार राजा. और ये था राजा का महल, और ये राजा का पैलेस है. यहाँ पे राजा बैठकर विचार करता था कि कहाँ मुझे जाना है, कहाँ क्या करना है. और ये उसका महल था. अंकल, गाइड अंकल फिर हम लोगों को पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे, बता रहे थे कि ये फ्रूट कलर्स हैं और ये तब से अभी तक बस एक बार पेंट हुए हैं, और इनको फ्रूट से उन्हीं कलरों से कलर किया जाता है, सेम सेम.
और राजा यहाँ से सब पे निगरानी रखता था। ये देखिए दीपिका और जाना निगरानी रख रहे सब पे। और ये राजा को पता था कि मेरे जैसे पतला दुबला लड़का भी आएगा, तो इसलिए उन्होंने इतनी चौड़ी सीढ़ी बनाई है कि मुझे कैसे करके निकलना है आप देख ही सकते हो। और अब हम लोगों ने ऊपर से जाके सब पूरा, मतलब हम टॉप पे थे, हमने देखा नौ की नौ रानियों का बिल्कुल सेम पैलेस दिए हुए थे राजा ने। किसी को भी मतलब ऐसा ना लगे भाई इसका ऐसा बनाया मेरा ऐसा है, बिल्कुल सेम डिटो बिल्कुल। और यहाँ पे लोग फोटो सेशन कर रहे हैं, शेरल और मानशु लोग, और ये जयपुर हमने देखा। फिर अभी ये बैक साइड में ना ये सारा जयपुर दिख रहा है नीचे। हम लोग फोर्ट पे आए हुए हैं अभी नाहरगढ़ के महल में ऊपर। पीछे बावड़ी है, बावड़ी बावड़ी ऐसे करके कुछ है, वहाँ नहाने जाते थे रानी लोग। बहुत सुंदर है यार घूमने, यहाँ पे काफ़ी जगह है जयपुर में घूमने के लिए, मज़ा आ रहा है। बावड़ी की और इधर की साइड ये पार्किंग है, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। इधर ये सारा मतलब पूरे शहर के बीचों बीच है ये, क्या सुंदर जगह है। वाह गाइस, अब हम लोगों की बैंड बच चुकी है, थक 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 गए इतना। माता तो पहले ही बैठ गई थी, आगे दीपका में अभी आए हैं। ये एरिया सारा घूमने के बाद बैंड बच गई हमारी। ये सब एरिया ये देखो, ये अच्छा लगा आपको घूम के यहाँ पे? अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या आपको पता चला? ओलंदे ओए सुनिरा, हाँ अकेला है मम्मी भी तेरी, कहाँ ढूंढ रहा हो लौंडे, पता तुझे कुछ नहीं पता को गिर बच, समझ जा बे समझ जा। और नाइट में तो ये मार्केट जो मैंने आपको डे में दिखाई थी ना, पुराना ओल्ड जयपुर, वाव इतनी सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट वाव। और उसके बाद हम लोग आगे जब चले तो हमने ये म्यूज़ियम देखा। यहाँ पे काफ़ी मतलब जो ममीज़ हैं, अलग अलग इजिप्शियंस ममीज़ हैं और कई अलग अलग जगह से यहाँ पे रखी भी हैं। हम इस प्लेस को एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि हम टाइम बहुत कम था हमारे पास, बट ये बहुत सुंदर है, आप देखिए खुद वाह।